हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मान एंड वेलकम टू मूवी शोवी। अगर आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हो और आपको ऐसा फील कर रहा हो कि भाई मेरे को कोई अच्छा पॉजिटिव सा देखना है, थोड़ा कॉमिक रिलीफ हो जाए और मस्ती भरा हो, तो दैट 90s शो ये आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगा। इंग्लिश के अंदर है, जोक्स बहुत अच्छे हैं, जिस तरीके का फैमिली सेटअप दिखाया गया है वो बहुत बढ़िया है। चाहे 90s के अंदर स्थित है लेकिन फिर भी आपको आज भी उतना ही मज़ा आएगा जितना कि शायद 90s में ग्रो होते हुए को आता था, या फिर हमें आता था, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपके बड़े भाई या फिर इवन पेरेंट्स भी 90s में किस तरीके का मजा लिया करते थे। तो इस शो का एक प्रीक्वल भी आ चुका है, मेरे ख्याल से काफी साल पहले आया था वो, और उसी के कैरेक्टर्स को यहां पर भी लिया गया, लेकिन अब वो ग्रोन अप हो गए हैं। तो जो टीनएजर्स थे वो पापा मम्मी बन चुके हैं और उनकी एक बेटी है, और वो लोग विजिट करने आए हैं समर्स के लिए ग्रैंड पेरेंट्स के दिन, और उसी घर को यूज किया गया है उस घर में, और उसके पड़ोस के अंदर जो लोग हैं वो भी बड़े हो गए और उनके आगे बच्चे हो गए। तो कहानी अब बच्चों की है, और ये जो टीनेजर बच्चे हैं कैसे अपना फ्रीडम जो कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर है वो ढूंढते हैं, और पेरेंट्स का जो ये जो ग्रेजुएशन होता है कि बहुत ही केयर टेकिंग से कंट्रोल थोड़ा थोड़ा लूज कर देना वो, और ये सब होते हुए जो ग्रैंड पेरेंट्स को मजा आता है, बेटा तुमने भी मेरे साथ यही किया था, ये सारी चीजें काफी ज्यादा मजेदार है। जोक्स को भी प्रिटेंशियस नहीं है, उम्र के तकाजे के हिसाब से सबको पसंद आने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर तीन जनरेशंस को यूज किया गया, और तीनों जनरेशंस के लिए एप्ट डायलॉग एप्ट सर्कमस्टेंसेज यूज करे गए हैं। तो चाहे वो थोड़े से बुजुर्ग लोग हों, ग्रैंड पेरेंट्स टाइप हों, लेट्स से 60s एंड अबव या 50s एंड अबव, और जो 40s के अंदर हैं पेरेंट्स हैं उनको भी पसंद आने वाला है, और जो टीनेजर्स हैं और जस्ट टीनेज के अंदर चाहे आए हैं 13+, उनको भी पसंद आने वाला है कि उनकी भी जद्दोजहद जीवन में कैसी रहती है जब पेरेंट्स एक टाइम पे कहते अब तो तुम बड़े हो गए हो अभी, और दूसरे टाइम पे वो क्या बोलेंगे, यार अभी तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो। तो ये जो दो कॉन्वर्सेशन होती हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और थोड़े थोड़े आई वुड नॉट से बोल्ड डायलॉग्स बट थोड़े से मेच्योर डायलॉग जरूर हैं, एक आधा बैड वर्ड इधर उधर यूज हो जाएगा, बट वो अच्छे तरीके अच्छे ह्यूमर के अंदर यूज किया गया है, एज अ स्लैंग यूज किया गया, तो यू डोंट माइंड इट। ओवरऑल एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज भी बहुत अच्छी हैं, बहुत ब्यूटीफुल राइटिंग है। आधे आधे घंटे के एपिसोड है, आगे पीछे का नामकरण एक्चुअली हटाओगे तो 25 मिनट का एक एपिसोड है, 10 एपिसोड आपको इस सीजन के अंदर देखने को मिलेंगे, और एट द एंड ऑफ इट आपको हर एक कैरेक्टर से इतना प्यार हो जाएगा, पड़ोसियों से प्यार हो जाएगा, वो हर एक टीनेजर जो उसके फ्रेंड्स हैं लिया के उससे भी आपको प्यार हो जाएगा, और आपको लगेगा यार इसके बाद तो और बनना चाहिए। मेरा मूवी शो स्कोर इस हाईली एंटरटेनिंग शो के लिए रहेगा 9/10, हाईली रिकमेंडेड, यू शुड सी इट। बाय बाय।